बिहार में कई तरीके के जो पुल हैं वो बनाए गए हैं। बिहार को किस तरीके से जाम से मुक्त किया जाए उसके लिए लगातार पथ निर्माण और बिहार सरकार काम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पे, लोहिया पथ चक्र पे। हाल के समय में ही इस पुल का उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस पुल में अब बड़ी गड़बड़ियां जो हैं वो पाई गई हैं। इसको लेकर जो टीम इस पर रिसर्च कर रही थी IIT की, उसने कहा कि जो डिज़ाइन हमने अप्रूव किया था उस डिज़ाइन पर अगर काम होता तो कम लागत में इस पुल का बेहतर तौर पर निर्माण किया जा सकता था। देख सकते हैं आप इस पुल को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अब जो त्रुटियां हैं वो सामने आई है। इसको लेकर IIT के प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण में कई खोट हैं और इसका जो पूरा दोषी है वो जो निगम जिसके तहत इस पुल को बनवाया जा रहा था वो लोग दोषी पाए गए हैं। पुल निर्माण निगम पर साफ तौर पर जो IIT के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपना जो भरोसा है वो नहीं जताया और कहा कि पुल निर्माण निगम इस पुल को बनाने में पूर्ण तरीके से दोषी है। बताते चले कि लोहिया पथ चक्र की डिज़ाइन को लेकर कंसल्टेंट IIT दिल्ली के प्रोफेसर अनूप चावला ने शनिवार को कहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उन्होंने परियोजना की डिज़ाइन उपलब्ध करा दी है। निगम द्वारा उन्हें उस डिज़ाइन के लिए कहा जा रहा है जिसके आधार पर निर्माण में अधिक खर्च होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिज़ाइन उपलब्ध करा दी गई है, उस आधार पर निर्माण पर 100 करोड़ रुपये कम खर्च होंगे। आगे प्रोफेसर चावला ने कहा है कि IIT दिल्ली ने इस परियोजना के लिए सॉल्यूशन काफ़ी पहले उपलब्ध करा दिए, विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित ड्राइंग भी दिया गया है। इस सॉल्यूशन के माध्यम से निर्माण की लागत 100 करोड़ तक कम होगी। वहीं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा यह कहा जा रहा है कि कुछ महंगी डिज़ाइन से को भी तैयार किया जाए। मालूम हो कि IIT दिल्ली द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को एक इनोवेटिव डिज़ाइन उपलब्ध कराई गई थी। प्रोफेसर चावला ने बताया कि भारत में वह अपने किस्म की पहली डिज़ाइन है, इसलिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के रूटीन सॉल्यूशन पर मुहर लगाना संभव नहीं है। वर्ष 2016 के मार्च में ही उनकी सोच इस परियोजना को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार का मामला भी अभी नहीं सुलझा है। उल्लेखनीय है कि पटना के बेली रोड, सरपेटाइन रोड और बोरिंग कैनाल रोड में बगैर ट्रैफिक सिग्नल के वाहनों के परिचालन के लिए लोहिया पथ चक्र का निर्माण हो रहा है। तो ये पहला जो लोहिया पथ चक्र है वो बना और इसके डिज़ाइंस को लेकर अब जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो डिज़ाइन IIT ने अप्रूव किया था उसके तहत अगर इसको बनाया जाता तो 100 करोड़ का जो लागत है वो कम हो जाता। और ये जो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उससे लोगों को निजात देने की बात कही जा रही थी। इस पुल को अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके का ये डिज़ाइन किया गया, ये पटना का पहला खूबसूरत पुल है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पुल को जिस डिज़ाइन को अप्रूव किया गया था उस डिज़ाइन में त्रुटियाँ थी और उस डिज़ाइन को कहीं ना कहीं फॉलो भी नहीं किया गया। और इसको लेकर अब जो प्रोफेसर है IIT के चावला, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का और अगर सरकार अभी सचेत नहीं होती है और इसी तरीके से पुराने डिज़ाइन के जो अप्रूव्ड हमने किया उसको सरकार ने नहीं लिया। इसके साथ ही जो प्रोफेसर है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पुल के निर्माण में जो पुल निगम हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे डिज़ाइन को चूज़ किया जो अब नया नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जब डिज़ाइन अप्रूव किया था, जिस डिज़ाइन पे हमने काम किया वो अपने आप में एक अनोखा था। अब देखने वाली बात होगी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहला पुल तैयार हुआ लोहिया चक्रपथ और उसमें त्रुटियां जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। आप बने रहे फर्स्ट वेयर झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।